हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू रिवीजन असाइनमेंट नंबर 1 एसएसटी क्लास 3 वन वर्ड आंसर। दे कैरी अवर लगेज, वे हमारा सामान उठाते हैं। कौन उठाते हैं? पोर्टर्स। नंबर 2, इट इज एन इको फ्रेंडली फ्यूज। इको फ्रेंडली फ्यूज किसको कहा जाता है? सीएनजी को। नंबर 3, इट इज ए डिजाइन मेड ऑन ए क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ ए पेन। पेन की हेल्प से कपड़े के ऊपर जो डिजाइंस बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? कलमकारी। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है? टेलीफोन को कहा जाता है। नंबर 5, इट इज ए चीप बट स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत सस्ता और बहुत धीरे चलने वाला मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है? वाटर ट्रांसपोर्ट। नंबर 6, द पीपल हु कैन नॉट हियर एंड स्पीक यूज, ऐसे लोग जो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वो क्या यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। नंबर 7, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ्स यूजिंग डिफरेंट फाइबर्स। ऐसा प्रोसेस जिसमें विभिन्न प्रकार के जो फाइबर्स होते हैं उनके द्वारा कपड़े को बनाया जाता है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? वीविंग। नंबर 8 है कि इट इज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेजेस आर कॉल्ड। सेंडिंग और रिसीविंग मैसेज जो किए जाते हैं, जो मैसेज सेंडिंग भी किए जाते हैं और रिसीविंग भी किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। इट इज ए लोकल ट्रेन टू कैरी पैसेंजर्स विद इन द सिटी। सिटी के अंदर जो एक लोकल ट्रेन चलती है जिसमें पैसेंजर्स को कैरी किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेट्रो कहते हैं। नंबर 10 है कि दे आर पोर्टेबल फोन्स। कि पोर्टेबल फोन्स किसे कहते हैं? मोबाइल फोन्स को कहते हैं। रिविजन असाइनमेंट नंबर 2 क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी वन वर्ड नंबर 11। दे आर यूज हियर हिली एरियाज। हिली एरियाज में एरिया के अंदर क्या यूज किया जाता है? टॉय ट्रेन्स का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? टॉय ट्रेन्स का। नंबर 12 है कि ही वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रेवल टू एशिया। वे फर्स्ट यूरोपियन कौन थे जिन्होंने एशिया की यात्रा की थी? मार्को पोलो थे। कौन थे? मार्को पोलो। नंबर 13 है कि शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन वन टू वन बेसिस। कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम एक एक करके शेयर करते हैं तो वो कौन सा कम्युनिकेशन कहता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आंसर होगा पर्सनल कम्युनिकेशन। नंबर 13 है कि शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन वन टू वन बेसिस। कि एक एक करके इंफॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं तो ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है? पर्सनल कम्युनिकेशन। नंबर 15 है कि ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। सभी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। किसे कनेक्ट होते हैं? WWW से, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब से। नंबर 15 है कि सिक्किम मैन एंड वुमेन वियर ए ट्रेडिशनल ड्रेस कॉल। सिक्किम के जो आदमी होते हैं, औरत होती है, वो एक ड्रेस पहनते हैं, उसे क्या कहता है? उसे क्या कहते हैं? खो कहा जाता है। सिक्किम के आदमी और जो महिलाएं वहाँ की हैं वो एक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती हैं, उसे खो कहते हैं। नंबर 16 है कि इट इज डन यूजिंग ए वूल विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स एज मशीन्स आर कोल्ड। एक प्रकार का कार्य जो वूल्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा किया जाता है, और नीडल्स और मशीन जिसमें हेल्प करते हैं उसे क्या कहते हैं? नीटिंग कहते हैं, यानी कि बुनना, कपड़ा बुनना। ठीक है। नंबर 17 है कि दे आर मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग आर कोल्ड। वीविंग और नीटिंग के द्वारा क्या बनाए जाते हैं? फैब्रिक्स। नंबर 18 है दे मेड फ्रॉम केमिकल्स आर कोल्ड। जो केमिकल्स के द्वारा
बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंथेटिक डाइज। रिवीजन असाइनमेंट नंबर 6 क्लास 3 सब्जेक्ट एसएसटी शॉर्ट नोट नंबर 1 है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती है। ब्लॉक्स ऑफ वुड हैव ड्राइंग्स एंड ग्रेव ऑन देम। लकड़ी की ब्लॉक्स के द्वारा ये ड्राइंग की जाती है। दे आर डिप्ड इन कलर। जो ब्लॉक्स होते हैं उनको हम कलर में डिप कर लेते हैं। एंड पैटर्न्स आर मेड ऑन द क्लोथ। और फिर क्या करते हैं, कपड़े के ऊपर जो पैटर्न्स होते हैं उसके ऊपर ये डिप करके लगा दिए जाते हैं और उसके बाद थोड़ा प्रेशर दिया जाता है तो उसे क्या होता है, जो कलर होते हैं वो कपड़े के ऊपर आ जाते हैं तो हमारी ब्लॉक प्रिंटिंग बनकर तैयार हो जाती है। नंबर 2 है कि टाई एंड डाई क्या होती है। टाई एंड डाई इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। टाई और डाई राजस्थान से संबंधित है। इट इज नॉन एज बंदनी और इसको बंदनी के नाम से भी जाना जाता है। एम्ब्रॉयडरी फुलकारी ऑफ पंजाब। पंजाब में फुलकारी के नाम से। कंथा वर्क ऑफ वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में कंथा वर्क के नाम से। चिकन वर्क ऑफ लखनऊ और लखनऊ में चिकन वर्क। एंड सम ऑफ द वेरी पॉपुलर एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स और कुछ इसी प्रकार की बहुत सारी लोकप्रिय एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। PIN की फुल फॉर्म क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर। नंबर 2 है ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। नंबर 3 है STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। नंबर 4 है IST इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। WWW वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। नेम द स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इट्स यूज। आपको बताने कि स्पेशल ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं और उनका क्या यूज है। द एम्बुलेंस एंड द क्रेन्स आर द स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एम्बुलेंस और क्रेन्स स्पेशल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स कहलाते हैं। इनके क्या यूज है? एम्बुलेंस कैरीज पेशेंट टू द हॉस्पिटल। एम्बुलेंस जो होती है वो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाती है। और क्रेन्स क्या करती है? जो हैवी लॉड्स होते हैं, भारी वजन का सामान होता है उसको उठाती है। अब आता है हमारी मैचिंग। पंजाब। पंजाब को आप किससे मैच करेंगे? फुलकारी। पंजाब को किससे मैच करेंगे? फुलकारी। पेट्रोल। पेट्रोल को आप किससे मैच करेंगे? फ्यूल से, ठीक है। और राजस्थान। राजस्थान को बंदनी से आप मैच करेंगे। मेट्रो। मेट्रो इज ए लोकल ट्रेन। पोर्टर्स लगेज। पोर्टर्स जो होते हैं वो लगेज को उठाते हैं। पर्सनल कम्युनिकेशन ईमेल होता है, पर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। कार ट्रक लैंड ट्रांसपोर्ट्स कहलाते हैं। टॉय ट्रेन्स हिली एरियाज में चलती है। और एयर ट्रांसपोर्ट में हेलीकॉप्टर आएगा आपका, हेलीकॉप्टर एयर ट्रांसपोर्ट होता है। और मोबाइल फोन्स पोर्टेबल फोन्स कहलाते हैं। मोबाइल फोन्स पोर्टेबल फोन्स कहलाते हैं। न्यूज़पेपर बुक्स मास कम्युनिकेशंस होते हैं। टू कैरी हार्वेस्ट ट्रैक्टर। टू कैरी हार्वेस्ट ट्रैक्टर को कहा जाता है। कॉटन प्लांट से मिलती है। सिल्क सिल्क फॉर्म से मिलती है। सिल्क सिल्क फॉर्म से मिलती है। और वाटर ट्रांसपोर्ट किसको कहा जाता है? शिप को कहा जाता है।
वाटर ट्रांसपोर्ट शिप को कहा जाता है।